हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। देखिए, जैसा मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई की ट्रांजैक्शंस को टैली में एंटर किया, वैसे ही अब हमारे को इंटरनेट एक्सपेंसेस की भी एंट्री करनी है। वैसे रूटीन में तो इंटरनेट एक्सपेंसेस के लिए हम पेमेंट वाउचर यूज़ कर सकते थे क्योंकि हमने उसको पे किया है, लेकिन क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इन्वॉल्व है तो मैं इसके लिए एक जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ, है ना। तो ये एंट्री मैंने अच्छे से आपको सिखा दी है, बता दी है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। 1,000 रुपये हमने एक्सपेंसेस में बुक करने हैं, उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। फिर ये दो हमारी नई एसेट्स क्रिएट होंगी। एक्चुअली अकाउंटिंग के हिसाब से हम अलग अलग कर रहे हैं ना, जो अभी हमने पहले क्रिएट की थी वो 6% वाली थी, अब ये जो है ये 9% वाली हैं। कहाँ गई इंटरनेट एक्सपेंसेस, ये तो इसमें 9% पे है, तो इसको हम दो और अकाउंट अलग से क्रिएट कर लेंगे, ईजी रहेगा, आइडेंटिफाइड, क्लैरिफाइड, क्लासीफाइड रहेगा। तो बाकी तो फिर बैंक का अकाउंट क्रिएट करना है, सो लेट्स डू। और आपको ध्यान होगा जनरल में बैंक नहीं होता, तो हम पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेंगे। तो हम जाएंगे जनरल पे और हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर, यस, ये पहले से ही है, वेरी गुड। तो हम इसको ले लेते हैं एक्सेप्ट, राइट। और अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डेट हमने चेंज करनी है, बिल्कुल बाकायदा इसकी डेट हमने चेंज करके करनी है 19th जुलाई 2017। ये हमने जनरल लिया, पहले वो डेबिट बोल रहा है, तो हम क्रिएट करते चले जाते हैं हमारे इंटरनेट एक्सपेंसेस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सेप्टेड अमाउंट, हमने इसको 1,000 रुपया से डेबिट करना है। फिर अभी ये टू ही बोल रहा है, लेकिन हम इसको अभी बाय करके वापस अपना ले लेंगे। और हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 6% वाला ही है, अभी 9% वाला हमें फिर से क्रिएट करना है, तो वो हम क्रिएट कर लेंगे, CGST इनपुट टैक्स क्रेडिट एट 9%। और ये हमारी करंट एसेट है, राइट। ये एक्सेप्ट, इसका 90 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। फिर से हम इसको बाय कर लेंगे चेंज, और अब हम फिर से इसको क्रिएट करेंगे SGST ITC एट 9%, राइट। तो ये हो गया, इसको हम करंट एसेट में ही ले लेंगे 90 रुपीज़, एक्सेप्ट, यस, इसका अमाउंट हमने भर दिया 90 रुपीज़। अब हम इसका क्रेडिट वाला लेंगे बैंक, बैंक इसमें अभी नहीं दिख रहा है, तो हम क्रिएट कर लेंगे इसको बैंक, बैंक को तो हम बैंक में ही लेंगे, ग्रुप वाइज बैंक अकाउंट्स, और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो ओवरड्राफ्ट तो दिखाई गई, मैंने आपको बताया था ना पिछली बार भी जब हम क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे कि बैंक तो हमने क्रिएट किया नहीं है, सो ऑब्वियसली वो ओवरड्राफ्ट में रेड तो दिखाई गई। कैश और बैंक बैलेंसेज अगर नेगेटिव हों तो ये रेड में दिखाता है, दैट इज़ द फीचर ऑफ टेली। तो ये हमारा वाउचर जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसा बन के तैयार, इंटरनेट एक्सपेंसेस 1,000, CGST ITC, ये करंट एसेट है 90 90 रुपीज़ की, और बैंक उसी तरह से ये हमने यहाँ पर जनरल जो है वो टेली में एंटर कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी चेक नंबर मांग रहा है, वो हमने नहीं लिया, बीइंग इंटरनेट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये काम हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो एक साथ ही अगली वीडियो में मैं आपको दोनों करवा देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।